सोनम बत्रा। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लगाने वाली हूँ नेहा मेहंदी, जो कि आधा घंटा पहले मैंने घोल लिया था। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक चम्मच एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल से क्या होता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ सिल्की हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं डालने वाली हूँ एक चम्मच नारियल तेल। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरी तरह से मिक्स होनी चाहिए। और फिर इसको बालों में लगाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारे बाल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा और बिल्कुल सिल्की स्मूथ दिखेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो फिर उसके बाद बालों में लगाने शुरू करेंगे। और जब भी हम बालों में मेहंदी लगाने के लिए घोलेंगे, लगाने से आधा घंटा पहले भिगो करके रख देंगे। और आप चाहें तो उसमें अंडा भी मिला सकते हैं, पर ये अंडा यूज़ नहीं करते तो इसलिए हमने अंडा मिलाया नहीं है, सिर्फ एलोवेरा जेल और नारियल तेल ही मिलाया है। तो अंडा मिला लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है। और फिर इस तरह से हम थोड़े से बाल लेंगे और उस पर मेहंदी लगाएंगे। अच्छे से मेहंदी लग जाएगी जब, तो फिर हम उसको ऐसे गोल करके उसका जूड़ा बना देंगे और थोड़ी सी मेहंदी और ऊपर से लगा देंगे, ताकि जो कहीं से भी थोड़े बहुत बाल रह गए हों तो उन पे भी मेहंदी लग जाए। और फिर दूसरी साइड से थोड़े से बाल लेंगे और उस पर भी मेहंदी लगाना शुरू करेंगे। और जब मेहंदी उस पर अच्छे से लग जाएगी तो उसको भी उसी जूड़े पे लपेट देंगे, बिल्कुल वैसे ही गोल लपेटेंगे जैसे हमने पहले लपेटा था। और थोड़ी सी मेहंदी और लगा देनी है ताकि अच्छी तरह से सारे बालों में लग जाए। ऐसे करके हम छोटे छोटे सेक्शन लेकर के मेहंदी लगाते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बालों में अच्छे से मेहंदी लग जाएगी और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे बालों का। तो हम ठीक इसी तरह से सारे बालों में मेहंदी लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने सारे बालों में मेहंदी लगा लेंगे। और जब हमारे सारे बालों में मेहंदी लग जाएगी तो हम 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और आप चाहो तो इस पे शावर कैप पहन सकते हो, पर ये मेहंदी धूप में बैठ करके बिल्कुल नहीं सुखानी, ये मेहंदी अपने आप सूखनी चाहिए। और फिर 2 घंटे बाद हम इसे धो देंगे। जब हम धोएंगे तो हमारे बालों का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।